वो लंबा याददाश्त था, कई केस हो गए। देवघर का कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते 5 साल बीत गया। मुझे कोर्ट की चिंता नहीं, मुझे चिंता अगर निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति देश के संसद में, मैं महादेव की धरती पर सही कह रहा हूं, कोई चमचागिरी नहीं कर रहा हूं, कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये झारखंड की भूमि, मैं तो बिहार की भूमि कहता हूं कि झारखंड और बिहार दोनों एक है, कि बाबा भोले सबके एक है। निशिकांत जी हमारे गौरव हैं, जब सांसद के नाते संसद में ये खड़े हो गए हैं, पूरा पक्ष और विपक्ष बड़े गौर से सुनता है। इसलिए मैं आया था आपसे निवेदन करना कि इस गौरव की धरती पर, ऐसे तो पूरे देश में ये पहली बार धर्म युद्ध है, ये धर्म युद्ध की लड़ाई है भैया, ये आम चुनाव नहीं है, ये केवल प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये केवल सांसद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव भारत के धर्म युद्ध में राष्ट्र के साथ कौन खड़ा हो रहा है, ये धर्म युद्ध है, कौन कौरव के तरफ है, कौन पांडव के तरफ है। आप देखें देश के अंदर पहली बार निशिकांत जी 2009 में लड़े, उस समय भी मैं चुनाव में आया था, निशिकांत जी 14 में लड़े तो भी आया, निशिकांत जी 19 में लड़ रहे हैं तो भी आया, निशिकांत जी 24 में लड़ेंगे तो भी आऊंगा। लेकिन इस बार देश में केवल एक ही उम्मीदवार, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अगर बेगूसराय में चुनाव लड़ रहा था उम्मीदवार था, तो केवल प्रतीक के रूप में उम्मीदवार था, वहां भी नरेंद्र मोदी थे। आज अयोध्या में अगर निशिकांत दुबे चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां भी नरेंद्र मोदी हैं, प्रतीक के रूप में निशिकांत दुबे। आज देश नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना है, आज पक्ष भी नरेंद्र मोदी, विपक्ष भी नरेंद्र मोदी, क्योंकि विपक्ष में कोई पार्टी नहीं है जो 272 सीट लड़ रहा है, यहां जो लड़ रहा है कितने सीट पे लड़ रहा है भैया, दो, बिहार की कहानी है, हम दो हमारे दो, और उसमें भी उनके तो दो हो गए, दो दो चार होगा तब तो, क्योंकि कुछ कहानी कह रहे थे, हम दो हमारे दो। आज ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या बाबूलाल मरांडी दो से प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या शिबू सोरेन प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश में कोई पार्टी नहीं जिसने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खड़ा किया, अगर हिम्मत होता तो बनारस की धरती पर जाकर के, जैसे हमारे गांव में बड़हिया में पहलवान लोग कच्छा फेंकते थे, तो कच्छा तो नरेंद्र मोदी फेंक दिया, पूरे देश में कोई कच्छा उठाने वाला प्रधानमंत्री नहीं बचा।